Hello guys, welcome to Achieve IAS. My name is Aayush Methi. इस वीडियो में हम बात करेंगे सिके लैंग्वेज, जिसको गोल्डन लैंग्वेज भी कहा जाता है. उसका मतलब गोल्डन लैंग्वेज ही है. ये नेपाल की मस्तंग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुई है. ये अनरिटन लैंग्वेज है, इसको लिखा नहीं जा सकता. ये बोली जाती है सिर्फ 5 गांवों में, चकसंग, चेले, गेकार, तंगबे, तेतांग. 700 स्पीकर्स हैं इनके, ठीक है. 700 से ज़्यादा स्पीकर्स होंगे जो कि इससे के लैंग्वेज बोलते होंगे. इसके डायलैक्ट्स भी हैं कुछ, आप देख सकते हैं. न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि ये वन ऑफ द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है. लैंग्वेजेस का भी क्राइटेरिया होता है कि इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल है. तो ये जो इंडेंजर्ड का क्राइटेरिया इसको मिला हुआ है, ये क्राइटेरिया दिया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा. और एक लैंग्वेज इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट तब हो जाती है जब उसको कोई भी ना बोलता है ना उसे किसी को याद है. कैटेगरी कैसे कैसे होती है मैं बता देता हूँ. वल्नरेबल, डेफिनेटली इंडेंजर्ड, सेवल इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड. यूनेस्को ने भारत में 42 ऐसी लैंग्वेजेस देखी गई है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड का उन्हें दर्जा दिया गया है. दर्जा इस तरीके से मिलता है, सेफ, जब वो लैंग्वेज हर तरह की जनरेशन, मतलब जैसे मेरी अगर जैसे दादा दादी बोलते थे वो लैंग्वेज, तो उनका पोता भी वही लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है. अन इंटरप्टेड ट्रांसमिशन हो रहा है उसी तरीके से. वल्नरेबल जब होता है कि जब बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स में, मतलब हर जगह नहीं बोलते, घर में बोल लेते हैं, बाहर नहीं बोलते. डेफिनेटली इंडेंजर्ड, जब एक वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं करते बच्चे घर में भी नहीं बोलते. कम से कम वल्नरेबल में घर तो बोलते थे, डेफिनेटली इंडेंजर्ड में घर में भी नहीं बोलते. सेवनली तब होते हैं कि जब वो लैंग्वेज ग्रैंड पेरेंट्स और ओल्डर जनरेशन के द्वारा बोली जा रही हो, पेरेंट वाली जो जनरेशन है, मम्मी पापा वाली, वो समझते हो लेकिन बच्चों को नहीं बोलते हो. क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए, जो आपके ओल्डर पीपल भी हो गए, वो भी लैंग्वेज पूरी तरीके से नहीं बोलती, पार्शियली, फ्रिक्वेंटली, इनफ्रिक्वेंटली बोलते हैं. समझ रहे हैं कि कभी कभी बोल दी, कभी कभी नहीं बोली. एक्सनेट का मतलब है कि अब इसके स्पीकर्स बचे ही नहीं, अब बोलते ही नहीं है. ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्डर पीपल, कोई नहीं बोलता. यूनेस्को ये दर्जा देता है. उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं, देखो मैं क्यों बात करता हूँ उर्दू की, इस न्यूज़ से रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन लैंग्वेजेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आए अभी पिछले महीनों में, वो मैं आपको इस वीडियो में भी कवर करा रहा हूँ. पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हाल ही में एक प्रपोजल लाया इन्होंने कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेजेस के स्कूल के साथ मर्ज कर देना चाहिए. तो क्रिटिसिज्म आया कि उर्दू हमारी इंडियन लैंग्वेज है तो उसको फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ कैसे मर्ज कर रहे हो. तो न्यूज़ में प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है उर्दू के बारे में पूछा जा सकता है. देखो उर्दू जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के संविधान के अंतर्गत, और जो हमारे करेंसी नोट्स हैं उनमें जो 15 लैंग्वेजेस लिखी हुई होती है उनमें से एक है. कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज है, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इसकी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है. ये सेटअप किया गया था, ये जो नेशनल काउंसिल है, ताकि उर्दू को प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए, और 1996 में शुरू हुआ था, MHRD के अंदर आता है. अच्छा, ये न्यूज़ जो इंडेंजर्ड है, क्रिटिक एक्सटिंक्ट वाली, वल्नरेबल जो क्राइटेरिया है यूनेस्को के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में द हिंदू में न्यूज़ आई थी और एडिटोरियल आया था कि नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, CA को लेकर देख लो चाहे किसी को भी लेके देख लो, ये हो रहे हैं कि अपनी जो लैंग्वेजेस, अपना जो कल्चर है उनको बचाने के लिए. अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार में है, तो तभी जाके ये न्यूज़ आई कि ये दर्जा कौन देता है, एक्सटिंक्ट का दर्जा कौन देता है, इसलिए ये आपको पता रहना चाहिए. अच्छा, एक न्यूज़ ये भी आई थी कि सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेजेस ग्लोबली कौन सी लैंग्वेजेस है. तो एक डाटाबेस है एथनलॉग, बेसिकली जिसकी वेबसाइट बताती है जो कि किस तरीके कौन कौन सी लैंग्वेजेस का डाटाबेस, बेसिकली 7111 लिविंग लैंग्वेजेस का डाटाबेस इसके पास, और ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इसको. जो एकेडमिक्स हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनको ट्रस्ट करती है. अच्छा, इसकी रिपोर्ट की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज पूरी दुनिया में चाइनीज़ बोली जाती है, और चाइनीज़ एक मैक्रो लैंग्वेज है, समझ रहे हैं आप, मतलब चाइनीज़ में और भी लैंग्वेजेस आ जाती है. मदारिन, यूई, आपने अगर सुना होगा तो चाइनीज़ ऐसी लैंग्वेज है जो करीबन 131 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है.
अगर भारत की लैंग्वेजेस की बात करूं तो हिंदी और बंगाली दो इंडियन ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि दुनिया में टॉप 10 मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस में आती हैं। हिंदी के 34 करोड़ स्पीकर्स हैं, चौथे नंबर पे आती है। स्पेनिश और इंग्लिश से पीछे हैं, ठीक है, स्पेनिश और इंग्लिश से पीछे हैं, चौथे नंबर पे हिंदी, और बंगाली सिक्स्थ पे हैं, अरेबिक से पीछे। मैं आपको बता देता हूँ रैंकिंग एक बार, चाइनीज, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, बंगाली, ठीक है, ये रैंक है, ठीक है। बंगाली के 22 करोड़ स्पीकर्स हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये भी न्यूज़ में था, सितंबर 23 को मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस सितंबर 23 को कब से मनाया जाने लगा, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2017 में ये चीज़ शुरू की थी। साइन लैंग्वेजेस आप जानते हैं कि जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको देखना नहीं आता, जो कि बोलने देख नहीं पाते, तो उनके लिए फुल जो बोल नहीं पाते बेसिकली, है ना, जो बोल नहीं पाते उनके लिए साइन लैंग्वेजेस है, जो स्पोकन लैंग्वेजेस की बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग होती हैं उनसे, है ना, होती नेचुरल लैंग्वेज है फुल्ली फ्लैश्ड, लेकिन डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग होती हैं स्पोकन लैंग्वेजेस से। साइन लैंग्वेजेस जो बोल नहीं पाते बच्चे, ठीक है, उनके लिए साइन लैंग्वेजेस आपने देखा होगा। तो इस बार की थीम थी साइन लैंग्वेज राइट फॉर ऑल, साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल, और कई कोशिशें भी की गई कि जरूरी नहीं है जिनको बोलना आता हो वही साइन लैंग्वेज सीखें, बल्कि जिनको बोलना आता है वो भी सीखें। क्यों? ताकि अवेयरनेस अगर इससे बढ़ती है तो जो बच्चे जो बोल नहीं पाते साइन लैंग्वेज का प्रयास करते हैं वो उनसे भी कम्युनिकेट कर सके जो बोलते तो हैं और उनको साइन लैंग्वेज भी आती है। इससे क्या है कि एक पार्टिसिपेशन रहेगा, उनको जो है ऐसा ऐसा लोअर फील भी नहीं होएगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इसलिए हमको भी साइन लैंग्वेज थोड़ी बहुत बेसिक तो आनी ही चाहिए ताकि हम इन लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। गाइज, ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।